एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। अहमदाबाद के निकोल क्षेत्र में श्री मारुति सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा पांचवा वार्षिक छठवा महापर्व उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि छठी पूजा सूर्य और छठी माता की भक्ति के महान त्योहार के रूप में मनाई जाती है। शाम को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यूपी और बिहार में रहने वाले लोग भी स्थायी रूप से गुजरात में रहते हैं और ये त्योहार सर्वे के साथ मनाया जाता है। उज्जैन के ज्योतिष पंडित मनीष शर्मा के मुताबिक पौराणिक मान्यता है कि छठी माता सूर्य देव की बहन है। छठ पूजा व्रत को सबसे कठिन व्रत माना जाता है क्योंकि इसमें व्रती लगभग 36 घंटों तक निर्जलित रहती है, यानी लंबे समय तक पानी भी नहीं पीते हैं। ये व्रत एक कठोर तपस्या है। व्रत पूरा करने के बाद लोग व्रत करने वाले के पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत को रखती हैं उनके बच्चों के जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। छठी मैया की कृपा से परिवार में आपसी प्रेम और सद्भाव बना रहता है। अहमदाबाद के निकोल इलाके में श्री मारुति सेवा समिति ट्रस्ट ने पांचवा वार्षिक छठा महापर्व उत्सव मनाया जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। शाम को डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया। आमतौर पर उगते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है लेकिन छठ पूजा व्रत में सूर्यास्त के समय अर्घ दिया जाता है। श्रद्धालुओं ने नदी तालाब या किसी जल स्रोत में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया और एक दूसरे को इस पर्व की शुभकामनाएं दी। गुजरात अहमदाबाद से यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। जितेंद्र सिंह राजपूत। छठ पूजा एक बहुत धार्मिक पवित्र कार्यक्रम है और माना जाता है ये कार्यक्रम तब से शुरू हुआ जब भगवान राम ने लंका में विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए तो उनके मन में एक विचार आया कि हम एक राजसी यज्ञ कराएं। तो एक ऋषि के आदेश के अनुसार भगवान ने छठ माता का पूजा करने के लिए सोचा। यह रावण का वध करने के बाद पाप से मुक्त होने के लिए ऋषियों ने आदेश दिया कि उगते सूरज का सभी उपासना करते हैं, ढलते सूरज का उपासना किया जाए। हमारी मान्यता या कुछ लोगों की रामायण की मान्यता ऐसी है तभी से यह छठ माता का पूजा चालू हुआ और छठ पर्व पर हम सभी देशवासियों को सभी मित्रों को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। आंचल तिवारी। छठ पूजा जो है यूपी बिहार के लोगों का एक विश्वास है, एक परिवार के प्रति प्रेम है। यहाँ भले दूर दूर देश देश से लोग रहते हैं पर जब छठ पूजा होती है तो लोग छुट्टियाँ ले लेकर के छठ पूजा मनाने के लिए यहाँ आते हैं। छठ पूजा के अंदर ऐसा होता है कि ये चार दिन का होता है, खरना होता है, संध्या आरती होती है और एक अर्घ होता है। जो अर्घ होता है वो शाम को भी दिया जाता है, सुबह भी दिया जाता है। इसमें डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है, उगते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। खरना के अंदर कद्दू और भात का सेवन मतलब खाया जाता है, सेवन किया जाता है। उसके बाद में फल और सूप जो होता है उसके अंदर अर्घा दिया जाता है और छठी मैया के इस तरह से आराधना की जाती है। सुबह मारुति सेवा समिति प्रदेश अध्यक्ष आज छठ पूजा हो रही है उसके विषय क्या बोल रहे हैं? उसके विषय में हमारा एक बहुत शुद्ध व्रत है ये और सारी औरतें 24 कल्ला 48 कल्ला बगैर पानी के उपवास रहती हैं और हम लोग इसको आज 5 साल से इस जगह पर मनाते हैं निकोल में कानबा हॉस्पिटल के पास में शालीमार के सामने। क्या महत्व क्या होता है छठ पूजा? ये छठ पूजा का सूर्य भगवान का हम लोग आराधना करते हैं और सूर्य भगवान का को जल देते हैं सुबह शाम और क्या सर ये मतलब लड़के की दीर्घायु के लिए सारी औरतें व्रत रखती हैं।